हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। देखो, हमने स्टैट में दो चैप्टर कर लिए थे, ठीक है। चैप्टर नंबर वन हमारा हो चुका है और चैप्टर नंबर टू भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्लियर है। और आप सबने उतार भी लिए होंगे, उनके नोट्स बना लिए होंगे, डन। अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर थर्ड की, जो किसी किसी बुक में सेकेंड चैप्टर ही है, बट मैंने कहा था मैं जो सिलेबस यानी जो इंडेक्स उठाऊंगा वो टीआरजेन के अकॉर्डिंग उठाऊंगा, इसलिए जो मेरा जो चैप्टर नंबर थर्ड है वो आएगा आपका आंकड़ों के संकलन की, यानी आंकड़ों को एकत्रित करने की जनगणना तथा प्रतिदर्श विधियां। क्लियर हो गया, तो ये हमारे चैप्टर का नाम हो गया, ठीक है ना, जो आपके सामने लिखा हुआ है, आंकड़ों के संकलन की जनगणना तथा प्रतिदर्श विधियां। स्टार्ट करते हैं, बड़ा छोटा सा चैप्टर है, कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। चलो, पहला चैप्टर था हमारा, चार पार्ट में गया था, सेकंड तीन पार्ट में गया था, देखते हैं कितने में जाता है, कम से कम तीन में तो जाएगा जाएगा ये भी। देखो क्या लिखा है, सांख्यिकी में किसी विषय से संबंधित, यानी कोई भी आपका जो सब्जेक्ट है, कोई भी विषय है जिसमें आपको इन्वेस्टिगेट करना है, तो सांख्यिकी में किसी भी विषय से संबंधित सभी मदों के उस समय को समग्र या जनसंख्या कहा जाता है, यानी पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या है, पॉपुलेशन। तो सांख्यिकी में किसी विषय से संबंधित सभी मदों के, सभी जितने भी मद है आपके पास, कि उस समय को, सॉरी उस समूह को समग्र जनसंख्या कहा जाता है जिसके विषय में जानकारी प्राप्त करनी होती है, यानी जिस वो मदों का समूह जिनके विषय में आपको क्या करनी है, जानकारी प्राप्त करनी है, उनको यहाँ पे जनसंख्या बोला गया है। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या होता है, एक से ज्यादा है ना, देखो आपका जो आंकड़े एक से ज्यादा है, तो जब सभी हो जाएंगे तो वो आपका जनसंख्या बन जाता है, यानी पॉपुलेशन बोला जाता है उसको, क्या बोला जाता है, पॉपुलेशन। तो यहां पे बड़ा आ रहा है, सांख्यिकी में किसी विषय से संबंधित जो भी विषय होगा उससे संबंधित सभी मदों के उस समूह को, सभी मदों के उस समूह को जनसंख्या कहा जाता है जिसके विषय में जानकारी प्राप्त करनी होती है। चले आगे बढ़े, आगे सांख्यिकी अनुसंधान की दो विधियां आपके पास, एक है जनगणना जिसको संगणना विधि भी कहते हैं, संगणना विधि भी कहते हैं, एक प्रतिदर्श है जिसको निदर्शन विधि भी कहते हैं, ठीक है। तो ये नाम आप याद रखोगे प्लीज, दोनों के दोनों, ठीक है, जनगणना असंगणना, यहां पे प्रतिदर्श और निदर्शन विधि, डन। चल, हम पहले मेथड की बात कर रहे हैं, जनगणना विधि क्या होती है। देखो स्टैट के अंदर जानिए, आपके सांख्यिकी है उसमें जो पहला मेथड आता है आंकड़ों को इकट्ठा करने का, वो आपका यही है, कौन सा, सेंसस मेथड, यानी जनगणना विधि। ये पहला अप्रोच माना जाता है कलेक्ट करने का, ये दूसरा माना जाता है। तो पहला तरीका वही है, दूसरा तरीका आपका ये वाला हो गया, डन हो गया। देखो जनगणना विधि क्या, सेंसस मेथड क्या है, इसमें मतलब सेंसस मेथड यह वह विधि है जिसमें किसी अनुसंधान से संबंधित समग्र या जनसंख्या, जो मर्जी बोलो, कि प्रत्येक मद, यहां पे वर्ड के लिखा है, प्रत्येक मद के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, यानी ये वो मेथड है जिसमें हर एक आइटम को कवर किया जाता है जब हम आंकड़ों को इकट्ठा कर रहे होते हैं। जैसे मान के चलो मुझे पॉपुलेशन काउंट करनी है, क्या करनी है, अपने देश की पॉपुलेशन काउंट करनी है, और मैं गली गलियों में जा रहा हूं, मैंने कहा इस घर में देखो कितने बंदे हैं, उसने कहा मान लो इस घर में 10 बंदे हैं, तो मैं आपको तुक्का थोड़ा ना मारूंगा, चल छोड़ 6 ले लेते हैं यहाँ पे, अबे 3 ले लेते, छोड़ो। ऐसा नहीं होती जनगणना विधि। जनगणना का मतलब है हर एक बंदे को काउंट करना पड़ेगा, उस घर में अगर 8 बंदे तो 8 के 8 लिखने पड़ेंगे, अगर आपने किसी को छोड़ दिया तो आपका जो जो निष्कर्ष निकलेंगे बेटा वो गलत निकल सकता है, रिजल्ट गलत आ सकता है। इसलिए इस मेथड में आपको किसी भी आइटम को छोड़ना नहीं होता है, इसमें आपको हर एक मद के संबंध में आंकड़े एकत्रित करने होंगे। समझ में आ गया, मैंने बोला क्लास में कितने बच्चे हैं, तो अगर मान लो क्लास में 78 बच्चे, तो अगर मैं 78 के 78 काउंट करके जा रहा हूं पूरी क्लास में ना, तो इसका मतलब वो प्रॉपर सेंसस मेथड है, बट मैं कह रहा हूं यार होंगे यार 40 50, तो वो सेंसस नहीं है, तुक्का नहीं मारना यहाँ पे, ठीक है ना। चलो, अर्थात इस विधि के अंतर्गत हम समग्र, समग्र मतलब पॉपुलेशन की प्रत्येक इकाई का, किसका करते हैं, प्रत्येक इकाई का अध्ययन करते हैं। तो देखो पहला हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सांख्यिकी में किसी विषय से संबंधित सभी मदों के उस समूह को, सभी मदों के उस समूह को जनसंख्या समग्र कहा जाता है जिसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी होती है। सांख्यिकी अनुसंधान की दो विधियां हैं, जनगणना विधि और प्रतिदर्श विधि, मेन नाम यही यूज होते हैं, फिर भी मैंने आपको एक्स्ट्रा नाम लिखवाए कि ये आगे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जनगणना विधि यानी सेंसस मेथड, वो मेथड होता है जिसमें किसी अनुसंधान से संबंधित समग्र या जो आपकी जनसंख्या है कि प्रत्येक मद को, प्रत्येक मद के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, अर्थात इसके अंदर समग्र जो हमारी पॉपुलेशन की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है, और उनके आधार पर क्या निकाले जाते हैं, निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जो आपने प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया उसको पहले आपने कलेक्ट किया, अध्ययन किया, और उसके बाद
जो आपने अध्ययन कर लिया उसके बाद उसका क्या निकाला जाएगा, निष्कर्ष निकाले जाएंगे। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है ना, फटाफट से नोट डाउन करो, काफी आसान सी चीजें बचा। तो आगे बढ़ते हैं हम। जैसे हमने पुराने चैप्टर जो हमारा जो सेकंड चैप्टर था उसमें मैंने आपको हर विधि के बारे में क्या बताया था, उपयुक्तता यानी सूटेबिलिटी, उसके मेरिट यानी गुण और उसके डिमेरिट्स मतलब यानी दोष, उसके बारे में बताया था। सेम ऐसे ही यहाँ पे जो हमने पहले विधि करी है जनगणना विधि, उसके बारे में भी ये तीनों चीजें पढ़नी है। ठीक है ना, देखो क्या क्या लिखा है। बात करते हैं सबसे पहले ये कहाँ कहाँ उपयुक्त है, यानी जनगणना विधि, जिस विधि में आप हर एक आइटम को कंसिडर करोगे, हर एक आइटम को के बारे में जानकारी प्राप्त करोगे, तो सोचो कितना ज्यादा कठिन काम है ये। इसलिए बोलते हैं ये बेटा सिर्फ सीमित क्षेत्र में ही उपयुक्त होगा, ये सीमित क्षेत्र में ही क्या होगा, सुटेबल होगा। तो जहां पे सीमित क्षेत्र होगा वहां पे ये मेथड लग सकता है, जहां पे बहुत ज्यादा बड़ा क्षेत्र होगा वहां ये लगना बहुत ज्यादा थोड़ा क्या मुश्किल हो जाता है। चल, जहां गहन अध्ययन की आवश्यकता होगा, गहन मतलब डीप स्टडी की, अब आप हर एक आइटम को अगर कंसीडर करोगे, उसके बारे में जानकारी उठाओगे, आपको ऐसा कुछ चाहिए तो बेटा इस मेथड में आ सकते हो। ये मेथड उसी के लिए बना हुआ, हर एक आइटम के बारे में जानकारी उठाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गहन अध्ययन यानी जो डीप स्टडी है ये आपको देखने को मिलेगी, इंटेंसिव स्टडी। आगे आपको उच्च स्तरीय शुद्धता चाहिए, आपको हाई लेवल की शुद्धता चाहिए, तो यहां आ जाओ, क्योंकि हर एक आइटम को कंसिडर किया जा रहा है। विश्वसनीय आंकड़े, आपको ऐसे आंकड़े चाहिए जो रिलायबल हो, विश्वसनीय हो, तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ मिल जाएंगे। और विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन, मान लो कि आपकी जो पॉपुलेशन है ना उसमें जो आंकड़े भिन्न भिन्न है, अलग अलग आंकड़े हैं, तो भिन्न भिन्न आंकड़े हैं तो ये मेथड ज्यादा अच्छा, क्योंकि हर एक आइटम को पूछेगा जांचेगा, तो ये मेथड ज्यादा अच्छा लगता है इसमें। ठीक है, क्योंकि जो दूसरा मेथड है वो सैंपल मेथड है, उसमें तो हम क्या कहते हैं जैसे मतलब 1 लाख आइटम, उसमें से हम 10-12 आइटम निकाल देंगे या 100-150 आइटम निकाल कर उनको चेक करके देखते हैं, उसमें सारी सैंपल मेथड में सारे नहीं निकलते कभी भी। सैंपलिंग आपने सुना होगा, जैसे मैं दोबारा बताता हूँ, सपोज करो आपको मैंने बोला कि यहाँ पे 5 लाख पैकेट रखे मैगी के और आपको उनको चेक करना है, तो 5 के 5 लाख चेक करना भाई बहुत रेयर मुश्किल काम है, उनको क्या नाम है चेक करना, उनकी टेस्टिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अभी तुम 5 की बात करो, सोचो 5 करोड़ 50 करोड़ ऐसे पैकेट हो तब क्या करोगे। तो ऐसे केस में क्या होता है, हम बीच बीच में से 2-4 मतलब बीच बीच में से कुछ पैकेट निकाल लेंगे और उनको चेक करेंगे, अगर वो चेक करके पता चला कि वो सही है तो हम बोलेंगे बाकी भी सही है, और अगर वो गलत है तो बाकी भी गलत है। समझ में आ गया, होता सैंपल मेथड, समझ में आ गया। अब हो क्या रहा है सैंपल मेथड में, तुम तभी सैंपल मेथड लगा पाते हो जब तुम्हारे आइटम्स एक जैसी हो, सारे मैगी के पैकेट होंगे तो सैंपल मेथड लग जाएगा, बट कहीं पे मैगी है, कहीं यीपी है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, भाई वहां सैंपल नहीं लग सकता। ठीक है, ऐसी जगह फिर सेंसर ही यूज करना पड़ेगा, सेंसर हर एक आइटम को पकड़ेगा और सैंपल हर एक आइटम को तो पकड़ता नहीं है, वो तो क्या कर कुछ कुछ को पकड़ता है। तो सैंपल मेथड वहां लगता है जहां आइटम्स होमोजीनियस हो, होमोजीनियस मतलब एक जैसी हो, और सेंसस मेथड वहां लग सकता है जहां पे आइटम अलग अलग हो ना, वहां भी लग जाएगा सेंसस मेथड। तो ठीक है, तो उसने बोला विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन करना है, तो भाई साहब यहाँ आ जाओ, ये हर एक आइटम को पकड़ेगा, तो चाहे भिन्न भी हो ना आइटम तो भी पकड़ लेगा, उसे उसका अध्ययन कर सकता है। तो सीमित क्षेत्र, जहां गहन अध्ययन की आवश्यकता हो, डीप यानी इंटेंसिव स्टडी की आवश्यकता हो, आपको शुद्धता उच्च स्तरीय की चाहिए हो, विश्वसनीय आंकड़े चाहिए और विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन करना हो, यानी भिन्न भिन्न है आपके आंकड़े, तो ये मेथड अच्छे से लग जाएगा। गुण लगभग वही है, विश्वसनीय आंकड़े, आपको यहाँ पे विश्वसनीयता देखने को मिलेगी, आपको उच्च स्तरीय शुद्धता देखने को मिलेगी। ठीक है, निदर्शन त्रुटियों से मुक्त, यानी सैंपलिंग के मेथड, सैंपलिंग मेथड से क्या है ये जो सैंपलिंग मेथड में जो गलतियां होती हैं, त्रुटियां कमियां होती हैं, उससे मुक्त होता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक इकाई का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, प्रत्येक इकाई को शामिल किया जाता है, जबकि सैंपलिंग मेथड में प्रत्येक को नहीं किया जाता है, कुछ कुछ को किया जाता है। तो कुछ कुछ को करने के चक्कर में गलतियां हो सकती है, जैसे मान के चलो मैंने बोला आपको चेक करो, आपने कुछ आइटम्स निकाले मैगी के और वो आपके बिल्कुल सही निकल गए, आपने बोला सारे आइटम सही है, इससे देखो उसको बोलते हैं सारे आइटम सही है, आपने कुछ आइटम्स टेस्ट करा, टेस्ट करने के बाद बोला जब ये सही आ गए तो वो भी सही आ गए, बट पता चला कि भाई साहब यही सही थे बाकी सारे खराब थे, तो सैम्पलिंग मेथड में गड़बड़ी हो सकती है, बात समझना, सैम्पलिंग मेथड में गड़बड़ी हो सकती है बट सेंसस में गड़बड़ी होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है ना, इसलिए जो ये सैम्पलिंग मेथड की जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, इनसे ये मुक्त होता है, क्योंकि इसमें हर एक आइटम की स्टडी की जा रही है, जबकि सैम्पलिंग में कुछ कुछ की जाती है, पक्षपात होता है वहां पे। चल, विस्तृत सूचना की प्राप्ति, यानी यहाँ पे जो आपको सूचना मिलती है बेटा विस्तृत मिलती है, एक्सटेंसिव मिलती है, यानी आप जितना चाहो उतना डीप उससे सूचना प्राप्त कर सकते हो, तो विस्तृत सूचना यहाँ पे मिलेगी आपको। साथ में विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन मैंने बताया दिया, भिन्न भिन्न विशेषताओं का अध्ययन यहाँ पे आसानी से किया जा सकता है, और पक्षपात की संभावना भी यहाँ पे कम होती है, क्योंकि यहाँ पे हर एक आइटम को आप कंसिडर कर रहे हो, इसलिए पक्षपात भी थोड़ा कम ही देखने को मिलता है, रेयर केस देखने को मिलता है। समझ में आ गया। आगे दोष की बात करते हैं, दोष में हमारे पास क्या है, ये मेथड जो है ना अधिक खर्चीली है, अच्छा क्या है, अधिक खर्चीली मेथड है, यानी जहां पे खर्चा जो है, लागत जो है ना, धन जो है ज्यादा लग जाता है भाई साहब, हर एक आइटम के पास जाओ पूछो जांचो करो, है ना, समय भी अधिक लगता है और परिश्रम भी ज्यादा लगता है, इसका मतलब अधिक मानव शक्ति की आवश्यकता,
समझ में आ गया। और विशाल अन्वेषण के संबंध में उपयुक्त नहीं है ये। विशाल अन्वेषण का मतलब हो गया अगर आपका क्षेत्र बहुत ज्यादा व्यापक है, अर्थात यदि सांख्यिकी समूह बहुत ही विशाल है, सांख्यिकी का जो समूह है बहुत ज्यादा बड़ा है, तो सभी मदों से भी संपर्क कर पाना क्या है, संभव नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि हर एक मेथड के पास जाना पड़ेगा इस मेथड के हिसाब से, तो और वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गया, एक बार रिपीट कर रहा हूं देखो ध्यान से। उपयुक्तता में सीमित क्षेत्र में उपयुक्त है, जहां गहन अध्ययन की आवश्यकता वहां उपयुक्त है। उच्च स्तरीय शुद्धता चाहिए आपको तो ये मेथड लगा लो, विश्वसनीय आंकड़े चाहिए तो ये मेथड लगा लो, और भिन्न भिन्न मदे हैं आपके पास तो ये मेथड लगा लो, उनका अध्ययन कर लेगा। यानी विश्वसनीयता देखने को मिलता है, उच्च स्तरीय शुद्धता देखने को मिलती है, जो निदर्शन जो आपके जो त्रुटियां हैं उनसे मुक्त होता है। ठीक है ना, यानी सैम्पलिंग एरर यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे, सैम्पलिंग की जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप हर एक आइटम को क्या करोगे, उनका शामिल किया जाएगा, इनको उनका अध्ययन करोगे। यहाँ पे विस्तृत सूचना मिलेगी, आप उस सूचक से या जो भी आपके आइटम है उसके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हो। विभिन्न यानी भिन्न भिन्न मदों का अध्ययन यहाँ पे अलग अलग, अगर है आपकी कोई दिक्कत नहीं मदे चल जाएगा, अध्ययन कर लेगा। और पक्षपात की संभावना भी क्या है, कम, क्योंकि यहाँ पे हर एक आइटम को इंक्लूड मतलब स्टडी किया जा रहा है। अधिक खर्ची लिए, अधिक समय लग रहा है, अधिक मानव शक्ति की आवश्यकता नहीं, परिश्रम भी अधिक लग रहा है। और अगर सांख्यिकी समूह ज्यादा बड़ा है तो वहां पे हर किसी से संपर्क कर पाना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हम संभव नहीं हो पाता था, नहीं मुश्किल हो जाता है संपर्क कर पाना, तो इसलिए कहते हैं विशाल अन्वेषण के संबंध में उपयुक्त नहीं है। तो बेटा यहाँ पे आपका ये वाला मेथड खत्म होता है, पहला मेथड। कौन सा मेथड? सेंसस मेथड यहाँ पे खत्म होता है, नोट डाउन करो फटाफट। तो आगे बढ़ते हैं, अब हमारी दूसरी मेथड कौन सी है, प्रतिदर्श विधि यानी सैंपल मेथड। क्या कह रहा है, यह वह विधि है जिसमें अनुसंधान में यानी जो आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो में समग्र की समस्त इकाइयों के अध्ययन के बजाय, यानी ये वो विधि है जिसमें अनुसंधान में समग्र यानी जितनी भी आपकी पॉपुलेशन है उनकी समस्त इकाई यानी सारी इकाइयों के अध्ययन के बजाय, हम सारी इकाइयों का अध्ययन यहाँ पे नहीं करेंगे, उसके बदले में केवल कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का, केवल कुछ प्रतिनिधि, प्रतिनिधि मतलब जैसे अगर मान लो मैंने बताया था ना वहां पे 1,00,000 आइटम थी, तो मैंने निकाल दी 1,000 आइटम निकाल दी, तो 1,000 को चेक करूंगा और वो अगर सही निकले तो बाकी भी सही मानूंगा, और वो गलत निकले तो बाकी भी गलत मानूंगा। तो यानी ये प्रतिनिधि कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन सबका। ठीक है, तो ऐसी बोलते हैं केवल कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का क्या कहता है, अध्ययन करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो यह वह विधि है जिसमें अनुसंधान में जो समग्र यानी पूरी पॉपुलेशन है उसके समस्त इकाइयों ने हर एक इकाइयों के अध्ययन के बजाय, हर एक इकाई का अध्ययन तो करना नहीं है, तो क्या करेंगे हम, केवल कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन करेंगे, यानी जो हमने सैंपल निकाले ना उनका इकाइयों का अध्ययन करेंगे और उनके हिसाब से निष्कर्ष निकालेंगे कि अगर वो गलत तो वो भी गलत, ये सही तो वो भी सही। क्लियर हो गया। और इन चुनी हुई इकाइयों यानी जो हम प्रतिनिधि इकाइयां जो हम चुन रहे हैं समग्र में से, उनको प्रतिदर्श बोल सकते हैं, न्यादर्श बोल सकते हैं, ठीक है ना, या नमूना बोल सकते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सैंपल, यानी हमने सैंपल निकाला है। ठीक है, नमूना बोलो या समथिंग जो भी है। ठीक है, आपको भी नमूना ही बोलते हैं ना वैसे, है ना। चलो ठीक है, तो फटाफट से नोट डाउन करो, फिर इसके भी क्या है वही पढ़ते, उपयुक्तता, गुण और दोष। तो आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास है कि जो हमने सैंपल मेथड था उसकी उपयुक्तता क्या है, गुण क्या है और दोष क्या है। क्लियर है, चलो कहां का उपयुक्त है इसमें, मतलब जहां अनुसंधान का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत हो, यानी बहुत बड़ा क्षेत्र हो, बहुत सारी आइटम्स की स्टडी करनी हो, तो वहां पे आपका सैंपल मेथड लगाना ज्यादा सही है। ठीक है ना, समग्र की इकाइयां एक जैसी हो तभी ये मेथड लग सकता है। मैंने बताया था अगर समग्र की इकाइयां जो है अलग अलग हो जाए, मैंने बताया था जैसे मान लो कि मैगी पी 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 बहुत सारे नूडल्स के पैकेट रखे हैं, तो वहां सैंपल मेथड नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, सब अलग अलग है, है ना। बट अगर सिर्फ मैगी मैगी रखूंगा तो सैंपल मेथड लग सकता है, या सिर्फ यीपी यीपी वाले नूडल्स रखूंगा तो तब वहां सैंपल मेथड लग सकता है, मगर मिक्स रखूंगा सब जगह कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं, तो फिर वहां सैंपल मेथड नहीं लग पाता। ठीक है ना, चलो तो यहाँ पे सामग्री की इकाइयां क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। आगे आपको उच्च स्तरीय शुद्धता की आवश्यकता नहीं है, मतलब आप चाहते हो ठीक ठाक मिल जाए शुद्धता, बहुत है, ज्यादा उच्च स्तर हाई लेवल की नहीं चाहिए, ठीक ठाक मिल जाएगी चल जाएगा, तो आप ये मेथड लगा सकते हो। और शीघ्र और बेहतर निष्कर्ष चाहिए तो ये मेथड लगाओ, जल्दी मिलेगा। ठीक है, और ठीक ठाक आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो उपयुक्तता में क्या पढ़ा हमने, जहां अनुसंधान का क्षेत्र क्या बहुत ज्यादा विस्तृत हो, बड़ा क्षेत्र हो। नंबर दो उसने बोला यहाँ पे कि समग्र की इकाइयां एक जैसी हो, समग्र की इकाइयां एक जैसी होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए। उसके अलावा उच्च स्तरीय शुद्धता की आवश्यकता ना हो आपको, तब ये मेथड लगाना। और शीघ्र एवं बेहतर निष्कर्ष चाहिए तो मेथड लगा सकते हो। क्लियर। गुण क्या है, विशिष्ट क्षेत्र, वही विशाल अन्वेषण यहाँ पे हो सकता है, लार्ज इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। ठीक है, लार्ज, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन।
उसके अलावा कम खर्चीली और कम समय लगता है, इसको बोलते हैं मितव्ययी। दोनों को अगर बोला जाए, कम खर्चीली कम समय और कम मैन पावर, यानी मानव शक्ति की भी कम आवश्यकता, लिख सकते हो आप यहाँ पे, मानव शक्ति की भी कम आवश्यकता हो रही है। इसका मतलब मितव्ययी है, मितव्ययी मतलब इकोनॉमिकल, जिसमें टाइम कम लगे, कॉस्ट कम लगे और परिश्रम भी कम लग रहा है यहाँ पे, समझ में आ गया। चलो, यानी मानव शक्ति की कम आवश्यकता, एक पॉइंट और जोड़ सकते हो आप, याद रखना। अधिक वैज्ञानिक माना गया, इसको अधिक वैज्ञानिक इसलिए माना गया सैंपल को, क्योंकि इसमें कई बहुत सारे वेरियस एंगल से ना जांच की जाती है, सैंपल की जांच जो है कई एंगल से की जाती है, ठीक है, इसलिए इसको अधिक वैज्ञानिक माना गया है। आगे, शीघ्र एवं बेहतर निष्कर्ष यहाँ पे निकल सकते हैं, वो तो यहीं से पता चल गया था, डन, काफी आसान है बच्चा। देखो दोस्त, पता है होता क्या है ना, स्टैट की ना जो थ्योरी ना, बच्चा उसको कठिन बताता है। इवन मैं बताऊं आपको, अगर आप 100 बच्चे चुनो ना, तो 100 बच्चों में से 10 या 5 बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टैट की थ्योरी पढ़ के जाते हैं पेपर के लिए, उन्होंने थ्योरी पढ़ते ही नहीं है, वो सिर्फ मीन मीडियन मोड, उनको ये पता होता है स्टैट मतलब मीन मीडियन मोड होता है, वो वही पढ़ के जाते हैं खाली, ठीक है। बच्चे थ्योरी भी पढ़नी होती है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है ना, थ्योरी पढ़ो और मीन मीडियन मोड क्या, उससे भी डीप हमें स्टैट को करना है, बुक के अंदर काफी डीप है स्टैट, ठीक है ना, तो हमें सारी पढ़नी है, डन, ताकि आगे तक आपके काम रहे वो। आगे लिखा है, दोष में गए तो उच्च स्तरीय शुद्धता का अभाव रहेगा, यानी आपको पूरे हाई लेवल की एकदम शुद्धता तो नहीं मिलेगी, हमने पहले ही बोल दिया था भाई। पक्षपात पूर्ण हो सकता है, यानी यहाँ पे पक्षपात हो सकता है, कैसे, बिल्कुल सही बात है, आपने वहां 1,00,000 बच्चे थे, सॉरी 1,00,000 मैगी के पैकेट थे, मैंने सिर्फ 1,000 चुने, तो पक्षपात हो गया ना, बाकी क्यों नहीं चुने भाई। या क्लास में आपने देखा होगा कि क्या नाम है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, जब वो आते हैं ना इंचार्ज विंचार्ज प्रिंसिपल आते हैं क्लास को देखने के लिए, क्लास में क्या हो रहा है, फिर वो देखते हैं 80 बच्चे भरे पड़े हैं, 2-3 को उठा देंगे, उनसे पूछेंगे बताओ इसके बारे में, वो बता देंगे, तो वो टीचर बोलते हैं अरे वाह क्या बच्चे हैं, ठीक है। और अगर मान लो कि 2-4 से पूछा उन्होंने नहीं सुना है, तो टीचर बोलते कितनी गंदी क्लास है, फिर उसमें बच्चे बोलते हैं, दूसरे बच्चे जो बैठे होते हैं, हमसे तो पूछा ही नहीं, हमसे पूछो तो हम तो मार के दिखाते ना, इसका मतलब पक्षपात हो गया, आपने 2 बच्चे को खड़े करे, वो दोनों क्या नाम, वो क्या बोलते हैं, ड्रामेबाज थे, गोली करे रहते थे, तो वो सुनाएंगे कैसे, हमसे पूछो हमें आता है, हैं? तो अगर आप ऐसा बोलते हो, इसका मतलब आपको साफ दिख रहा है कि वो उन्होंने पक्षपात करते, 2-3 बच्चे उठाए, भाई हमें भी उठा दे, है ना। चलो बेटा, अंदर से तो कोई नहीं बोलता उठाने के लिए, ठीक है ना, सब कहता है भाई बच गए तो बच गए। तो पक्षपात हो सकता है कि आपने कुछ चुने कुछ नहीं चुने। प्रतिनिधि इकाइयों का चयन कठिन, यानी किन को चयन करें, उन 1,00,000 में से उन बच्चों में से किसका चयन करें, ये थोड़ा सोचना बेटा कठिन होता है, इतना आसान नहीं है सैंपल फ्रेम करना, और सैंपल बनाने में कठिनाइयां बोल सकते हो, कि आपको कौन से सैंपल किन को निकालोगे, कौन सा पैकेट निकालोगे जांच के लिए, भाई साहब ये बहुत ढंग से सोचना पड़ता है। और इसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है बेटा, विशिष्ट मतलब आपको अच्छे खासे ज्ञान की आवश्यकता होनी चाहिए, सैंपल हर कोई बंदा नहीं बैठा सकता, हर कोई बंदा सैंपल नहीं बना सकता। आप देखो ना, आप क्लास में जाते हो, क्लास में जाके जैसे टीचर सॉरी क्लास में आपके टीचर आता है, टीचर ना जहां सीधे वही उसी बंदे को उठाता है जिसको याद नहीं होता, ये ऐसे कैसे होता है, आपने देखा होगा ना कई बार टीचर उन्हीं बंदों को उठाता है जिनको याद नहीं होता, टीचर उन्हीं बंदों को ही पकड़ता है जो कि क्या नाम है काम करके नहीं लाए होते, जबकि टीचर ने देखा नहीं काम लाया नहीं लाया, टीचर अंदाज लगाता है, अरे खड़ा होता काम दिखा, नहीं लगे ना काम नहीं, तो उनको पता कैसे चलता है, क्योंकि भाई साहब उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास एक स्किल है जिससे वो क्या ना पकड़ लेते हैं। तो ऐसी बेटा यहाँ पे जो है ना विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, सैंपल बनाना इतना आसान नहीं है, इसको कोई एक्सपीरियंस होल्डर ही कर सकता है जो दूर से भाप जाए कि अगले अगली वाली चीजों में क्या क्या हो सकता है, ड्रामेबाजी, समझ में आ गया। तो विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता, तो मैं इस पार्ट को यहीं पर खत्म कर रहा हूं, पार्ट नंबर 1 आपका खत्म होता है, ठीक है ना, पार्ट नंबर 2 में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, इसे नोट डाउन कर लेना बच्चा।